मंत्र में इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं। तंत्र इसलिए नहीं कि उसको मार दो, इसको काट दो, उसका बुरा कर दो, उसका टेढ़ा मेढ़ा कर दो, ये तंत्र नहीं है, ये टोटके हैं। टोटके में और तंत्र में बड़ा अंतर है। तंत्र का अर्थ होता है व्यवस्था, यानी जहां व्यवस्था दिखाई पड़े उसे तंत्र कहते हैं। एक ऐसा पवित्र शब्द है तंत्र, जिसके साथ जुड़ जाता है वहां व्यवस्था दिखाई देती है कि आप कोई व्यवस्था है। जैसे लोकतंत्र एक व्यवस्था है, राजतंत्र एक व्यवस्था है, स्वतंत्र होना एक व्यवस्था है। जहां तंत्र जुड़ जाता है एक व्यवस्था दिखाई देने लगती है, जहां अव्यवस्था है वो टोटका है, वो जादू टोना है। जादू टोना तंत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप जो बीमार होकर के गली गली भटके हैं वो जादू टोना की वजह से भटके हैं, तंत्र की वजह से नहीं। तंत्र की वजह से तो आप और आपका परिवार अच्छा हुआ है, तब आप बाबा के दरबार में उपस्थित होकर के और भक्त से शिष्य बनने जा रहे हैं। टोना टोटका से तो आप निकल आए बाहर, अब टोना टोटका आपका कुछ नहीं कर सकता, अब आप तंत्र के आगोश में हैं, तंत्र के आलिंगन में हैं, आप एक व्यवस्था में हैं, आप व्यवस्था में जीने जा रहे हैं, उसको तंत्र कहते हैं। मुक्ति का मार्ग अगर सबसे सरल है तो तंत्र के द्वारा है। क्षण में आदमी, क्षण में, एक क्षण में आदमी मुक्ति पा सकता है 84 लाख योनियों से, वो तंत्र है। गुरु कृपा हो जाए, जो अपने प्यारे बाबा जी बैठे हैं पूर्ण गुरु के रूप में, आपको क्षण में मुक्ति दे सकते हैं, वो शक्ति आपके दरबार की। तो तंत्र को समझना है, अब आपको समझ करके संतुष्टि मिलती है, संतोष आता है, आनंद आता है। और आनंद जो है अल्टीमेट, जिसकी ये सबको खोज है, सबको खोज रहा है आनंद को। और आनंद है कि साथ ही साथ है, लेकिन आनंद की खोज जारी है। आनंद को खोजा नहीं जा सकता, एक बार ध्यान रखना, क्योंकि वो तो खोया ही नहीं है, खोजोगे कहाँ। आनंद तो है ही, लेकिन आनंद कहाँ है? आनंद सदैव वर्तमान में है।